दोस्तों वेलकम बैक इन माय चैनल। साबूदाना की खिचड़ी के लिए आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन आइडिया लाई हूँ। साबूदाना की खिचड़ी में सबसे मेन होता है साबूदाने को भिगोना, तभी आपकी खिचड़ी अलग अलग बनेगी। और दूसरी चीज़ फ्रेंड्स नोट करिए, साबूदाना की जो नेचर होती है वो ऐसी होती है ग्लूटेन टाइप, ये पिघलता है गर्मी के साथ में, यानी कि जब आँच के संपर्क में आता है, फ्लेम के संपर्क में आता है गर्म बर्तन में, तो ये पिघलता है। इसलिए कभी भी आप साबूदाने की खिचड़ी को बनाएं और सर्व करें तो इसको ठंडा करके ही सर्व करें। आप बनाने के बाद में खुला इसको रख दीजिए, 10 से 15 मिनट के लिए सेटल होने दीजिए। आप देखेंगे कि आपकी खिचड़ी ऑटोमेटिकली बढ़िया खिली खिली सी हो गई है और इसका टेस्ट भी अच्छा आता है। गर्म में उतना अच्छा टेस्ट नहीं लगता है, एक अलग सा टेस्ट होता है साबूदाने का। अब आप देखिए, मैंने भिगोने के लिए जिस कटोरी से मैंने ये साबूदाना लिए हुए थे बिना भिगोए हुए, एग्जैक्टली नाप कर मैंने उतना ही पानी इसमें डाला था। आप देख सकते हैं मैंने इसको छाना भी नहीं है। और ये देखिए एक एक दाना, ये देखिए मैंने इसको भी पानी नहीं छाना है, ये मैंने इसको रखा पानी नाप के डाल दिया। पानी आप इतना डालें कि बस साबूदाना भीग जाए, एक भी पानी ऊपर नहीं रहना चाहिए। अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप थोड़ा पानी कम ही डालें। जैसे ही ये पानी को पूरा सोख लेंगे आधे घंटे के अंदर, आप दोबारा से उसमें थोड़ा बहुत पानी डाल दीजिए, इतना कि साबूदाना के ऊपर नहीं आना चाहिए पानी। देखिए बिल्कुल परफेक्ट भीगा है ये, कहीं कुछ भी नीचे नहीं है, कोई पाउडर वगैरह भी नहीं निकला है इसका, ये बिल्कुल खिला हुआ है, आप देख ही रहे होंगे। चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। मैं व्रत वाले बना रही हूँ, आप इनको दोनों में ही खा सकते हैं। अंतर बस इतना ही है कि आप उसमें प्याज वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, तेल में बना सकते हैं, नमक डालिए। इसमें हम सेंधा नमक और घी का इस्तेमाल करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। ले लिया है एक पैन, सबसे पहले हम मूँगफली के दाने, बादाम वगैरह भी अगर आप खाना चाहें इसमें, काजू बादाम भी डाल सकते हैं। मैं इसमें सबसे पहले मैंने 1.5 चम्मच तेल और घी डाल दिया है। सबसे पहले मूँगफली के दानों को भूनूंगी मैं। दानों को अच्छा सा गुलाबी होने तक क्रैकल करेंगे और फिर तुरंत ही हम निकाल लेंगे। इसमें थोड़ा सा घी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, वो इसलिए कि तभी ये थोड़ी खिली खिली बन पाती हैं और ये ड्राई होती है एकदम, इसलिए पानी वगैरह से तो इसमें हम पकाते नहीं हैं। चलिए दाने भुन गए हैं, इनको हम इसी में साबूदाना वाले कटोरे के ऊपर ही निकाल लूँगी मैं, क्योंकि हम इसको सबसे बाद में डालते हैं। आप इसमें अपनी मनपसंद सब्जियां भी डाल सकते हैं, गाजर वगैरह ले सकते हैं, मटर वगैरह, लेकिन आप चाहें तो मैं बिल्कुल इसका जो सिंपल वाला मेथड होता है आलू से बनता है उसी से बनाऊंगी। अब मैं यहाँ पर 1 चम्मच घी और ले रही हूँ। अब मैं डालूंगी यहाँ पर जीरा, जीरा महक के लिए और टेस्ट के लिए। जीरा अच्छे से डाल दीजिए 1 चम्मच। अब यहाँ पर छोटा छोटा आलू काट के रखा है, अब इसको मैं गुलाबी होने तक भूनूंगी और पकाऊंगी भी। मैंने इसीलिए इसके छोटे छोटे डाइस काटे हुए हैं, ये देखिए। इसको गोल्डन ब्राउन करना है, इसमें थोड़ा टाइम ज़रूर लग सकता है, पर बॉयल वाले आलू से इसका टेस्ट ज़्यादा बेहतर आएगा। ये आप जब बनाएंगे तो आपको जब लगे कि ये ज़रूर बेहतर था टेस्ट, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसको थोड़ा मीडियम और हाई फ्लेम पर ही हम गोल्डन ब्राउन करेंगे और साथ ही पकाएंगे भी। मैं इसको ढककर पका रही हूँ जिससे कि टाइम कम लगेगा, जल्दी पकेंगे, बीच बीच में चलाते रहें। आलू देखिए कितना बढ़िया ब्राउन कलर आ चुका है, इनमें पक चुकी हैं। अब मैं इसमें डालूंगी हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ हरी मिर्च। हम लाल मिर्च यहाँ पाउडर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हरी मिर्च ही हम पूरी तरह से डाल रहे हैं। हम चाहते हैं कि साबूदाने का कलर ना चेंज हो, इसलिए मैं यहाँ पूरी तरह से हरी मिर्च का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपको लाल मिर्च पसंद है तो आप पाउडर डाल सकते हैं, लेकिन हरी मिर्च का ऑप्शन बहुत अच्छा रहता है। साथ ही अब मैं यहाँ टमाटर भी डाल रही हूँ। मैंने नमक अभी नहीं डाला है जिससे कि पानी ना छोड़ दे, और ज़्यादा फ्लेम को हाई कर लीजिए। टमाटर को ज़्यादा पकाना नहीं है हमें, हम चाहते हैं कि टमाटर का टेस्ट बरकरार रहे, थोड़ा सा क्रंचीनेस रहे।
बस हल्का सा कुक कर लेते हैं जिससे कि कच्चापन चला जाए। फ्लेम को धीमा कीजिए और दाने सहित अब साबूदाना मैं इसमें डाल दूंगी। देखिए इसी स्टेज पर नमक भी डाल लेते हैं, फ्लेम को धीमा ही रखें। नमक ये सेंधा नमक है, व्रत में जो खाया जाता है, नमक ध्यान से डालें आप। ये थोड़ा कम नमकीन होता है, बाद में आप टेस्ट कर लें। इसको अच्छे से मिक्स कीजिए। अभी मैं फ्लेम को बिल्कुल भी नहीं बढ़ाऊंगी क्योंकि इसको हम ढक देंगे जिससे कि साबूदाना पक जाए और जले भी नहीं, चिपके भी नहीं ज़्यादा, इसलिए मैं इसको ढक दूंगी। बाद में हम थोड़ा सा फ्लेम तेज कर लेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी नींबू। नींबू इसलिए जिससे कि ये बिल्कुल भी ना चिपके। चलिए तो एक नींबू स्क्वीज कर देते हैं इस तरह से, थोड़ा सा और क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा है। नींबू डाल दिया है, थोड़ा सा एक साबूदाना उठाकर टेस्ट कर लीजिए या किसी को करवा दीजिए अगर आपका फास्ट है। नमक बिल्कुल बढ़िया है। अब मैं इसको 2 मिनट के लिए ढक दूंगी। ये बिल्कुल बनकर तैयार है फ्रेंड। ये देखिए सिर्फ 5 मिनट के लिए ढका था। अगर आप भारी कढ़ाई में बनाएंगे तो आपके लिए और भी अच्छा रहेगा। अब मैं गैस बंद कर रही हूँ और 5 मिनट इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी, फिर मैं धनिया डालकर गार्निश करूंगी। मैंने इसके दाने देख लिए हैं, ये बिल्कुल पक गए हैं अंदर तक, और इसीलिए हम इसको अभी 5 मिनट के लिए बंद करके रखते हैं, फिर खोल देंगे और धनिया डालेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, अब इसमें धनिया मिक्स कर दूंगी और ठंडा होने दूंगी इसको बिना ढक्कन बंद किए। ढक्कन नहीं बंद करेंगे अब हम। मिक्स कर दीजिए और रेसिपी पसंद आई हो फ्रेंड्स तो तुरंत आप सब्सक्राइब करें और कमेंट तो आप करना भूलिए मत, और लाइक कर लीजिए वीडियो को भी और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स तक, और मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का। ये देखिए फ्रेंड्स कितना बढ़िया लग रहा है, और ये बिल्कुल अलग है। अभी तो ये बहुत गर्म है, जैसे ही हम प्लेट में डालेंगे तो ये 5 मिनट में ही ठंडा हो जाएगा और बिल्कुल खिली हुई बनेगी ये देखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।